जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊँ कहाँ तेरा द्वार, जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहां। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, आज के दिन के लिए, और अपने आप को जांच कर देखें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उस अंधे से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और उस अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं फिर से देख सकूं। हमारा जो आँख है वो तो ठीक है, हम देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हो सकता है हम अंधे। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा आध्यात्मिक जीवन कैसा है। क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीता हूँ, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जीता हूँ, पवित्र जीवन जीता हूँ, पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करता हूँ। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें और उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किए, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिए। ऐसे पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और पश्चाताप ही हृदय से प्रभु के पास लौट आए। प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप करने वालों को प्रभु अपने पास लौटने देता और उनके पापों को क्षमा करता है। आइए हम पश्चाताप ही हृदय से प्रभु के पास लौट आए ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्तिभाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करन। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करें।
करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरण में रखें और उन सारे लोगों को भी याद करें जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, जिन्हें हम वादा किए हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी प्रार्थनाओं पर भरोसा रखते हैं, आशा करते हैं। ऐसे सारे लोगों को प्रभु के चरण में लाए, उनके ज़रूरतों को प्रभु के चरण में लाए और आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है, हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। वार्ष का 33वां सप्ताह, पहला पाठ, मकाबियों का पहला ग्रंथ। इसराइल पर ईश्वर का प्रकोप छाया रहा। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफानेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। वह उन दिनों इसराइल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार जेरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुहा स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इसराइलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहार स्वीकार कर लिया। 145 वर्ष के किसलेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की विधि पर उजड़ का भीमसा दृश्या अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की विधियां बनवाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने
तथा चौकों पर धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे, जिसके यहां विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेशानुसार प्रदंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इसराइली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाएं और पवित्र विधान भंग ना करें। इस प्रकार बहुत से इसराइली मार गए। ईश्वर का प्रकोप इसराइल पर छाया रहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। विधर्मियों को तेरी संहिता की उपेक्षा करते देखकर मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुला दिया। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले कुकर्मी मेरे निकट आ रहे हैं। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले दुष्ट लोग मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरी प्रतिज्ञा की उपेक्षा करने वाले पापियों को देखकर मुझे घृणा आती है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43 तक। जब येसु यरीखो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उससे बताया कि येसु नजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे येसु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वो और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। येसु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वो पास आया तो येसु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं फिर देख सकूं। येसु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वो उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए
यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरा सब कुछ तेरा दा, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दा, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दा, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दा, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं, यह हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनर्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी चढ़ाते हैं, तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनर्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु राय से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप फल लेता है, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की।
महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूखरिस्त का समारोह मनाए करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं, यीशु सारा जहां, रोगियों को दुखियों को सहारा देता यीशु।